संकरे द्वार से प्रवेश करने का पूरा पूरा प्रयत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं प्रयत्न करने पर भी बहुत से लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आत्मदर्शन टीवी के मेरे समस्त श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्यार भरा जय। आज का सुसमाचार पाठ संत लुकस रचित सुसमाचार से लिया गया है, अध्याय 13 पद संख्याएं 22 से 30 तक। कोई आकर यीशु से पूछते हैं, क्या थोड़े ही लोग मुक्ति पाते हैं? पूछने वाला प्रभु का एक अनुयायी मालूम पड़ता है। उसने प्रभु की शिक्षाएं सुनी और जो भी प्रभु ने उनको दिखाया, उनके सामने किया, वो सब उन्होंने देख लिया। प्रभु के साथ चले, प्रभु के साथ खाए पिए, तो वो व्यक्ति बड़े आत्मविश्वास के साथ कि उसका तो स्वर्ग राज में प्रवेश निश्चित है, वो एक उत्सुकता से पूछते हैं, क्या सभी लोग प्रवेश कर पाएंगे? क्या थोड़े ही लोग प्रवेश कर पाएंगे? प्रभु ने कहा, संकरे मार्ग से प्रवेश करने का पूरा पूरा प्रयास करो। अब संकरे मार्ग क्या है? अक्सर लोग चौड़े मार्ग से, आसान मार्ग से यात्रा तय करना चाहते हैं। मुश्किलों को कोई भी अपनाना नहीं चाहते हैं। प्रभु के शिक्षा के अनुरूप अगर चलना हो तो वहां मुश्किल का रास्ता होगा, आसान रास्ता नहीं होगा। इसलिए प्रभु चेतावनी स्वरूप कहते हैं, संकरे मार्ग से प्रवेश करो। प्रभु कहते हैं, जब द्वार बंद हो चुका होगा और तुम बाहर रहकर द्वार खटखटाने और कहने लगोगे, प्रभु हमारे लिए द्वार खोल दीजिए, तो अंदर से उत्तर आएगा, मैं तुमको नहीं जानता हूं। तो वे पूछेंगे, आप क्या बात कर रहे हैं? हमने आपके साथ सामने खाया पिया और आपने हमारे बाजारों में उपदेश दिया। आपके सारे उपदेश हमने सुना था और आपके संगति में हम चले थे, आपके साथ खाना पीना सब किए थे, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं आप हमको नहीं जानते हैं? ये सब उन्होंने किया था, लेकिन वे चौड़े मार्ग को अपनाया। अपने जीवन में प्रभु ने जो शिक्षाएं दी थी उन्हें नहीं अपनाए, प्रभु के बताए गए मार्गों पर वे नहीं चले। अपने आप को प्रभु के अनुयायी समझकर वे निकल पड़े, लेकिन प्रभु की शिक्षाओं के अनुरूप वे नहीं चले। यही उनकी गलती थी, इसलिए वे स्वर्ग में प्रवेश से वंचित रह गए। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये हमारे लिए प्रभु की बहुत बड़ी चेतावनी है। हम अपने आप को प्रभु के समझते हैं, प्रभु के अनुयायी समझते हैं और ये मान के चलते हैं कि हमारे लिए स्वर्ग राज्य सुरक्षित है, क्योंकि हमने सारे संस्कार ग्रहण किए हुए हैं, हम लगातार प्रभु भोज में भाग लिए हुए हैं, सब किए हुए हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं, कभी ऐसे नौबत ना आए कि हमारे सामने प्रभु अपना द्वार बंद करे। प्रभु ये ना कहे कि तुम्हें मैं नहीं जानता। ऐसे नौबत कब आए जब हम
प्रभु के बताए गए मार्गों पर न चले, प्रभु की शिक्षाओं को अपने निजी जीवन में न उतारे और आसान जीवन चौड़ा रास्ता अपनाते हुए बिंदास जीवन जीकर हम आगे बढ़े तो अंतिम निर्णय के समय, अंतिम न्याय के समय शायद हमें प्रभु की तरफ से इस प्रकार का एक जवाब मिले। ऐसे नौबत न आए इसलिए हम बड़ी सावधानी से प्रभु की शिक्षाओं के अनुरूप चलते हुए संकरे मार्ग को अपनाते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें।